एक सूफी अपने आप को बहुत छुपाता है, वो अपने को इतनी आसानी से प्रकट नहीं करता। वे जानते हैं कि उनका यहाँ अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक ज्ञानी व्यक्ति फिर से वापस नहीं आए, वह यहाँ केवल थोड़े समय के लिए है। सूफी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वे जानते हैं कि अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, इसलिए वे जानबूझकर खुद को छिपाते हैं। एक गुरु को बार बार कुछ प्रकार के लोगों के लिए अदृश्य हो जाना चाहिए, ताकि वह और उसकी ऊर्जा उन लोगों के लिए उपलब्ध रहे जो वास्तव में साधक है। वास्तविक साधक वह है जो कुछ भी दांव पर लगाना पड़े लगाने के लिए तैयार है, जिसकी समस्या जीवन और मृत्यु की है। सूफी लगातार छिपाते रहते हैं, लेकिन याद रखें, ये कहानी का केवल आधा हिस्सा है। एक तरफ से लगातार खुद को छिपाते रहते हैं, दूसरी तरफ से खुद को उन लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं जो खोज में है। प्रणाम।